ट्रैक्टर रेस्क्यू मिनी ट्रैक्टर। एक गांव में सांबा नाम का एक ट्रैक्टर वाला रहता था। सांबा बहुत स्वार्थी और लालची था। वो फसल कटाई के समय पर फसल काटने के लिए किसानों से ज्यादा पैसे मांगता था और बाकी समय पर वो ट्रैक्टर में लोगों को भर भर कर शटल सर्विस का काम करता था। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑटो रिक्शा वालों की कमाई बिल्कुल ठप पड़ गई। एक दिन कुछ स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली एक ऑटो एक गड्ढे में जा फंस गई। बच्चे उस ऑटो को गड्ढे से निकालने के लिए पूरी ताकत से जोर लगाने लगे। ऑटो ड्राइवर भी बहुत जोर लगाकर धक्का देने लगा, लेकिन फिर भी वो ऑटो गड्ढे से बाहर नहीं निकल रहा था। तभी सांभा अपने ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंचा। ऑटो ड्राइवर ने सांभा को रोका। सांभा भाई, जरा अपने ट्रैक्टर से मेरे ऑटो को गड्ढे से बाहर निकालना प्लीज। बच्चों को स्कूल के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ, जरूर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए 2000 रुपए लगेंगे। भाई तुम तो जानते हो कि मैं तो मुफ्त में इंजन भी स्टार्ट नहीं करता। 2000 रुपए? अरे सांबा भाई, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बेचारे इन छोटे छोटे बच्चों को तो देखो और मेरी मदद करो भैया। अरे छोटे बच्चे तो क्या, अगर साक्षात भगवान भी आकर इस हालत में मुझसे सहायता मांगे तब भी मुझे रहम नहीं आएगा। पैसे दोगे तभी ऑटो निकलेगी गड्ढे से बाहर, वरना मैं चलता हूँ। तभी सागर नाम का लड़का आया। अंकल जी, मैं सागर हूँ, आपका घर के पड़ोस में ही रहता हूँ, आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना और ना ही मैं किसी को पहचानूंगा। मेरा ट्रैक्टर यूं मुफ्त में नहीं आया जो मैं आस पड़ोस के लोगों की मदद करता फिरूं। अब तुम सब स्कूल पैदल जाओ। अरे एक दिन स्कूल नहीं गए तो कौन सी आग लग जाएगी? वैसे भी अब तक मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हो, मैं चलता हूँ, कहकर चला गया। उस दिन शाम को सागर घर लौटा और अपने पिताजी मनोहर से, डैडी आपने मुझे कहा था ना कि मेरे जन्मदिन पर आप मुझे एक मिनी कार खरीद कर देंगे। मुझे कार नहीं, एक मिनी ट्रैक्टर खरीद कर दीजिए। तब मनोहर हैरान हुआ। क्या बेटा, ट्रैक्टर चाहिए? अरे सब बच्चे स्टाइलिश कार की फरमाइश करते हैं और तुम बड़े अजीब हो कि ट्रैक्टर की फरमाइश कर रहे हो। पिताजी, वो गाड़ी चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर वो गाड़ी हमारे साथ साथ आस पड़ोस लोगों को भी काम आए तो उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। गाड़ियों में ट्रैक्टर ही है जो कई किस्म के काम आती है, इसलिए अगर आप मिनी ट्रैक्टर खरीद कर देंगे तो मैं उसके साथ खेलूंगा तो जरूर, साथ साथ लोगों की मदद भी करूंगा। शाबाश बेटे, तुम्हें देखकर पड़ोसी सांभा को अकल आएगी। यूं कुछ दिनों बाद मनोहर ने सागर को एक मिनी ट्रैक्टर खरीद कर दिया। सागर अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ खेलने लगा। एक औरत किराने के सामान और सब्जियां खरीद कर करारे धूप में घर की ओर पैदल जाने लगी। सागर ने उन सामानों को अपने मिनी ट्रैक्टर में रखा और उसके घर पहुंचाया। उस औरत ने सागर को धन्यवाद कहा। सांभा ने ये सब देखा। सांभा सागर के पास आकर, क्यों छोटू, एक मिनी ट्रैक्टर खरीद कर मुझसे मुकाबला करने चले हो? हाँ? सुना है गांव भर में तुम बहुत लोगों की मदद कर रहे हो, अगर ये ट्रैक्टर खराब हो गया तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे खाल उधेड़ देंगे, जानते हो? मेरे पिताजी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमारे घर में वस्तुओं से ज्यादा लोगों को महत्व देते हैं, हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, चाहे इसमें हमारा नुकसान क्यों ना हो, हम आपके जैसे नहीं है। अरे बहुत देखे तुम जैसे, अरे अच्छे नाम कमाने के चक्कर में तुम जैसे लोग बीच समंदर में डूब जाते हैं। एक बार उस गांव में बहुत जोरों की बारिश हुई, गांव में बाढ़ आ गया। सांबा पैसे के लालच में ट्रैक्टर में लोगों को भर भर कर ले जाने लगा। तभी अचानक उसका ट्रैक्टर एक बहुत बड़े पानी वाले गड्ढे में जा गिरा। अरे बाप रे, लगता है बाढ़ आ जाएगी। अरे भाई जल्दी से अपने ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकालो। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ पर बहुत कोशिश करने पर भी ट्रैक्टर गड्ढे से बाहर नहीं निकल रहा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अरे भैया कोई तो हाथ लगाओ, अरे हमें बचाओ भैया। सब आकर सांबा को देखते और ये सोचकर कि अरे इसकी मदद क्यों करें, वहां से चले जाते। तभी सागर अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ वहां पहुंचा। उसने अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ सांभा के ट्रैक्टर को एक रस्सी से बांधा, फिर उसने मिनी ट्रैक्टर को जोर से रेस दिया। बड़ी मुश्किल से वो मिनी ट्रैक्टर गड्ढे से बाहर निकली।
सब लोगों ने राहत की सांस ली। मुझे माफ कर दो बेटा, जरूरतमंदों की मदद करना क्या होता है वो मैं आज जान पाया हूँ। मैंने पैसे के लालच में तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं की, लेकिन आज तुमने बहुत हिम्मत करके हमारी जान बचाई है। आज मुझे पता चला कि नेकी का महत्व क्या है। आज से मैं भी लोगों की मदद करूँगा। तुम्हें देखकर मुझे अकल आई है बेटा। ये सुनकर सागर बहुत खुश हुआ। उस दिन से सांबा ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा।